बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक तरफ नवी मुंबई शहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ दिनों पूर्व मनपा आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल के ट्रांसफर ऑर्डर की चर्चाओं ने सुर्खियां बटोर ली थी। मगर आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल के ट्रांसफर ऑर्डर को राज्य सरकार ने अचानक स्थगिति दे दी और बतौर आयुक्त के तौर पर फिर एक और बार अन्ना साहेब मिसाल ने कमान संभाली। आखिर क्यों ट्रांसफर ऑर्डर हुआ स्थगित, ये सवाल आज हर किसी के जहन से उठ रहा है। बता दें कि जब मुंबई में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति विकट हो गई थी, उस समय कोरोना संक्रमण का सबसे अधिक खतरा नवी मुंबई में मंडराने लगा। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए एक नया एक्शन प्लान तैयार किया नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने। आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने नवी मुंबई की ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए नियोजनबद्ध तरीके से उपाय योजना तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पनवेल स्थित इंडिया बुल्स में कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की। उसके बाद वाशी स्थित सिडको एग्जीबिशन सेंटर में कोविड केयर सेंटर की स्थापना, स्वैब टेस्ट लैब शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। नवी मुंबई की जनता को कोरोना संक्रमण के बीच बेड की जानकारी, अधिकारियों के नंबर्स और मरीजों की संख्या की वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाने के लिए तत्काल डैशबोर्ड का निर्माण करवाया और वॉर रूम की शुरुआत की। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की व्यवस्था, घनी आबादी और झोपड़पट्टी क्षेत्रों में मास स्क्रीनिंग, नवी मुंबई परिसर में जंतुनाशक फव्वारे और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने की दिशा में कड़े आदेश जारी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने लिए। अन्ना साहेब मिसाल के इस एक्शन प्लान के बाद जब इसका सार्थक और अच्छे नतीजे आने लगे, तब अचानक उनके तबादले के निर्णय ने सभी को अचरज में डाल दिया। शहर में कोरोना संक्रमण का मंडराता खतरा और आयुक्त का तबादला, इस बीच शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानिक नेताओं द्वारा आयुक्त के इस तबादले को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से गुहार लगाई गई कि इतने कार्यक्षम और सक्षम आयुक्त होने के बावजूद भी अगर उनका तबादला कर किसी नए अधिकारी को मौका दिया जाता है तो शायद नवी मुंबई में स्थिति और भयावह और विकट और चिंताजनक हो जाएगी, क्योंकि नए अधिकारी को धरातल और क्षेत्र का अभ्यास नहीं होगा और इसका खामियाजा नवी मुंबई की जनता को भुगतना पड़ेगा। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया और आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल के तबादले को तत्काल स्थगित कर दिया। आज हकीकत तो ये है कि आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल बड़ी बखूबी और सूझबूझ के साथ कोरोना की जंग लड़ने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, मगर उनके इस एक्शन प्लान को धरातल में उतारने में कहीं न कहीं नवी मुंबई महानगर पालिका आरोग्य विभाग की अकार्यक्षमता सामने आ रही है। एक तरफ आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल कोरोना संक्रमण से जुड़ी कोई भी समस्या व्यक्तिगत तौर पे हल करने में जुटे रहते हैं, तो वहीं ठीक दूसरी तरफ मनपा आरोग्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोता दिख रहा है। न जनता के किसी समस्या का निदान और न ही किसी के फोन का जवाब। इतना ही नहीं, बेडों की संख्या की गलत जानकारी, स्वैब टेस्ट में होती देरी आरोग्य विभाग की अकार्यक्षमता को उजागर कर रही है। यही कारण है कि शिवसेना के उप जिला प्रमुख किशोर पाटकर ने आरोग्य विभाग के इस ढील ढिलैये रवैये का पर्दाफाश करते हुए कहा है
कि वाशी महानगर पालिका अस्पताल में गया मरीज आज जिंदा बाहर नहीं आ रहा और इसीलिए उन्होंने आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल से मांग की है कि स्थिति और ऐसे अवसरों से निपटने के साथ ही नवी मुंबई महानगर पालिका आरोग्य विभाग को सक्षम करने की दिशा में मनपा आयुक्त नवी मुंबई महानगर पालिका के सबसे अनुभवी अफसर अमरीश पटनीगिरी जैसे अधिकारियों को इसकी कमान सौंपे। नवी मुंबई के आरोग्य विभाग जो है वो खुद बीमार गिर चुका है। उधर कोई ऐसा ऑफिसर चाहिए जो अपनी वचक से अपने स्वभाव से सब अधिकारियों को ठीक करे और ये जो मरगड़ आई हुई है, ये जो सुस्त हो गए हैं आरोग्य विभाग के लोग, काम कर करके किए उन्होंने मेहनत, ऐसा नहीं किए रहे, बट अभी सब अपनी जान को पहले डरे हुए हैं। उधर एमओ जो है वो अकेले सबके घर घर में जाके पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, उनको नर्स नहीं, उनको स्टाफ नहीं और कोई किसी का कुछ नहीं। कोई आदमी गया FRU वाशी में वो जिंदा आ ही नहीं रहे। इनको समझना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो इधर कोई ऐसा अधिकारी लाओ, मैं तो बोलता हूँ पटनीगिरी साहब को वापस लाओ, उसके जैसे ही कोई तो दरारा जिसका डर हो आदर हो ऐसा आदमी उधर चाहिए जो खुद हॉस्पिटल में घुस घुस के ठीक करे। उधर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। किशोर पाटकर ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आज कोरोना संक्रमित मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट देरी से आने के कारण आज यही लोग बाहर घूम रहे हैं और उनके कारण कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस दिशा में आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल को योग्य कार्रवाई करे। दूसरा, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, साहब मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में टेस्ट होने को 7-7 दिन लग रहा है और जब वो टेस्ट देने को आदमी जाता है उसके बाद वो सब जगह घूम रहा है, हर जगह जा के घूम घूम के वो कोरोना फैला रहा है। इसको कुछ तो ऐसा करो कि ये घर से नहीं निकले, कोरोना पेशेंट भी घर से निकल रहे। कमिश्नर साहब पहले कैसा करते थे, किसी को कोरोना हुआ तो उसके बिल्डिंग में जाके पोस्टर और ये चिपकाया जाता था कि इधर एक पेशेंट है कोरोना का, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला था। अभी कहीं भी कोरोना पेशेंट मिलता है उसके बिल्डिंग में, उसके बाजू में वो पोस्टर लगा के रखना चाहिए, जो टेस्ट करके आता है उसका भी लगा के रखिए कि ये आदमी इस घर से निकलना नहीं चाहिए, यही लोग जा के फैला के आ रहे कोरोना, दूसरा कोई नहीं फैला रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है साहब, अभी उधर जो आरोग्य अधिकारी और ये लोग सब है इनको यहाँ से हटाइए, पूरी नई टीम लाइए और वार्ड में सब जगह की जानकारी नगर सेवकों को होती है, उनका इस अच्छे काम में यूज कीजिए, वो लोग हेल्प करने को तैयार है। किशोर पाटकर के साथ बेलापुर की विधायक मंदा महात्रे ने भी जोर दिया कि ऐसी विकट स्थिति में नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल का तबादला करने का फैसला उचित नहीं है। अभी पालिका आयुक्त कोई जादूगर तो है नहीं कि जादू की कांडी घुमाएगा और तुरंत कोरोना को रोकेगा। वर्ल्ड में कोरोना फैल चुका है, वर्ल्ड में, जब अमेरिका जैसा देश कुछ नहीं कर सका तो ये नवी मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर क्या करेगा। मनुष्य बल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, जो वेंटिलेटर चाहिए वो नहीं है, बहुत सारी चीज की कमतरता है। आज वो कर रहे हैं अपनी कोशिश, 2 महीने में एक कमिश्नर एक हॉस्पिटल को खड़ा कर रहा है 1200-1500 बेड का, ये क्या कम चीज है क्या? हम उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, हम उसकी ताकत बन के उसके सामने खड़ा रहना चाहिए, हमने उसकी बदली करनी चाहिए या हमने उसको गाली देना चाहिए? हम उसके लिए आज उसकी ताकत बन के खड़े रहेंगे। आज स्थिति ये है कि आरोग्य विभाग की कमान संभाल रहे इस विभाग के प्रमुख डॉक्टर बाबा साहेब सोनावने और उनकी टीम पर होती कड़ी आलोचना और इसके चलते आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल पर फूटता ठिकरा। अब देखना यही होगा कि सुस्त और खुद ही वेंटिलेटर पे जा चुके आरोग्य विभाग को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए मनपा आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।